राष्ट्रवादी के हमने पहले से खिलाफ थे और आज भी वो शरद पवार साहब के हम खिलाफ में हैं। जब उनको सत्ते में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे ही लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूं। आज भी हम बोलते हैं कि वो टाइम जो सताया गया था वो उन्होंने बहुत ज्यादा सताया था। देखिए, ये गुट आने से कुछ हमारी जो सत्ता है, सत्ता में उनको हिस्सेदारी देना जरूरी हुआ था। जब उनको सत्ते में हिस्सेदारी दी तो बट नेचुरल है कि कुछ हमारे ही लोगों के जो पद मिलने वाले थे वो कम हुए, इसलिए थोड़ी नाराजगी है, ये मैं मानता हूं। ये कोई झूठ या छुपाने वाली बात नहीं, नहीं वो आ गए, हम बहुत खुश है, ऐसा नहीं है। तो ये तो होता है, लेकिन इसका अभी जो तोड़ है, इसके ऊपर सोल्यूशन जो है वो सीएम ने, अब डिप्टी सीएम ने निकालना चाहिए, नहीं तो ये नाराजगी बढ़ना ये अपने लिए भी ठीक नहीं है। 40 लोगों का जो गुट जो निकला था वो ओनली एकनाथ शिंदे पे भरोसा करके निकले, और शिंदे साहब का उनका एक अलग सा ये नेचर बोलो या तो वो अलग से सोच है उनकी, वो हम किसी को भी बाहर नहीं जाने देंगे, ये पक्का है। ये जो नाराजगी आपने बताई, ये नाराजगी की बात आपने सीएम डीसीएम के कानों तक पहुंचाई है, वहां तक पहुंचाई है, और क्या वहां से आश्वासन मिला है, क्या आने वाले दिनों में कुछ फिर से एक्सपेंशन देखने मिल सकता है हमको कैबिनेट का? नहीं, ये बातें तो हम तो उनके कान पे डाली है ना, ऐसा नहीं होता। अपने पार्टी के लीडर के कान पे ये बात जाना ही चाहिए, उनको बताना ही चाहिए, और हमने सीएम डीसीएम को बताया भी है, और एक्सपेंशन देखो ये 2-4 दिन में होना चाहिए, कोई भी हालत में होना चाहिए। तो 2-4 दिन में एक्सपेंशन होगा, उसमें आप अनुमान लगा रहे हैं कि आप लोग का नंबर लग सकता है? देखो, आप उसमें किसका नंबर लगाना है वो सीएम डीसीएम का अधिकार है, लेकिन ये जरूर है कि बहुत सारे लोगों को उसमें समाविष्ट किया जाएगा। पर सर, लगातार आप लोग यही एक आइडियोलॉजी लेके निकले थे कि एनसीपी के साथ समर्थन नहीं करेंगे, अभी पूरी एनसीपी यहां पे आ गई है, तो कहीं ना कहीं वो जो आइडियोलॉजिकल डिफरेंट है वो तो देखने तो मिलेगा सर? नहीं, देखो, राष्ट्रवादी के हमने पहले से खिलाफ थे और आज भी वो शरद पवार साहब के हम खिलाफ में है। वजह ये है कि उन्होंने पार्टी को खत्म करना चाहता था। उनका एक स्टेटमेंट है, उन्होंने ये भी बोला था कि जो बाला साहब के हयात में मुझे जो करना कर नहीं सका मैं वो आप करके दिखाऊंगा। ये उद्धव साहब को जो बनाया उन्होंने सीएम, ये उनको एक मोहरा बल्कि उनको यूज किया गया। आप 2.5 साल देखेंगे, सीएम होते हुए भी महाराष्ट्र को सीएम नहीं था, और पूरा राज वो राष्ट्रवादी चला रही थी। वो निधि देना हो या कुछ भी हो, ये सब चीजें उनके मार्फत ही हो रही थी, वो ही कर रहे थे। उसके लिए हमने उनको विरोध किया था, और हमारा जायज है। आज भी हम बोलते हैं कि वो टाइम जो सताया गया था वो उन्होंने बहुत ज्यादा सताया था, इसलिए हमको ये उठाव करना पड़ा था। और हम उद्धव साहब को यही कहते थे कि आप पार्टी छोड़ो, उनका साथ छोड़ो, यही हमारी मांग थी ना। पर सर, अभी तो आप कैबिनेट में उनके साथ बैठेंगे तो कहीं ना कहीं मतभेद तो दिखेंगे। देखिए, अब हमारा यूपीए का शासन पहले हो चुका है, हमने हमारी सत्ता स्थापित की है, अब वो हमारे साथ आए हैं, हम उनके साथ नहीं गए, वो हमें सब आए हैं, हमारे भी इंटर उन्होंने किया है, तो बातें तो हमारी भी माननी पड़ेगी। ऐसा नहीं होगा, अब चलेगी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब की।